हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की मैं इस वीडियो में आपको आईपी के जो प्रोजेक्टर है उसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा ये कैसे है, इसको कैसे इंस्टॉल करते हैं एंड एवरीथिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये दिख रहा है बॉक्स, इस पर लिखा हुआ है IPH कार हाई लो बीम BI एक्सियन फॉग लाइट। ये फॉग लाइट का प्रोजेक्टर है, ये कार ये हेडलाइट में नहीं लग सकता, ये ओनली फॉग लाइट में लगेगा। इसका जो मॉडल नंबर है वो M612 है। मॉडल नंबर बता देता हूँ आपको, M611 2.5 इंच है और M612 3 इंच है। ये तीन तरीके के केल्विन है जिसको ये सपोर्ट करता है। इसकी रेंज है ये, इसका आउटपुट 35 वाट, लाइट सोर्स H11 H8। ये दो टाइप के जो बल्ब होते हैं वो इसमें लग जाते हैं। IP67 वाटर प्रूफ है। और इसकी ये बाकी डिटेल्स हैं, ये जो टेम्परेचर है वो 3000 से 6000 केल्विन तक की HID सपोर्ट करता है, इससे ज़्यादा की सपोर्ट नहीं करता। बाकी आपको यहाँ पे भी ये लिखा हुआ दिख जाएगा 35 वॉट IP की ब्रांडिंग। यहाँ पे आपको फ़ोटो दिख जाएगी कार्स की, ये किस तरीके से लग के किस तरीके का फोकस देता है रात में। यहाँ इसका वोल्टेज है, कलर टेम्परेचर है, पावर है एंड यहाँ पे इसकी इंस्टॉलेशन है किस तरीके से यहाँ पे इसमें इंस्टॉल होता है। ये दोनों जो साइज है 2.5 और 3.0, ये दोनों MM के हिसाब से बताए हुए हैं ताकि आप अपने लिए सही चॉइस सही कर सकें। यहाँ पे ये केल्विन का हिसाब बताया हुआ है कि लो बीम में इतना होता है, हाई बीम में इतना होता है। आप इसको लो बीम में ही चलाएं, हाई बीम में ना चलाएं, सामने वाले व्यक्ति का अंधा हो जाता है बिल्कुल, उसे कुछ समझ में नहीं आता। तो रिकमेंडेशन यही है कि आप इसको लो बीम में ही चलाएं, हाई बीम ना करवाएं। ये फिट किस तरीके से होता है ये पूरा लिखा हुआ है, मैं आपको ये फिट करके भी दिखाऊंगा। उसके कुछ टाइम के बाद मैं एक वीडियो और डालूंगा जिसमें मैं अपनी कार में लगने के बाद आपको रेस्पॉन्स चेक कराऊंगा। बाकी सर यही सब कुछ आता है, कोई MRP या ब्रांडिंग नहीं है। मैंने ये निकाल लिए थे प्रोजेक्टर, इस तरीके के आते हैं IP के प्रोजेक्टर। यहाँ पे मेंशन भी होता है IP20DR। और ओरिजिनलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे लिखा होता है, अगर आपको कैमरा फोकस कर पा रहा हो, IPH का ये बताता है कि ये जो प्रोजेक्टर है ये बिल्कुल ओरिजिनल प्रोजेक्टर है, कहीं से भी कॉपी नहीं है। इसका वेट बहुत हैवी होता है, फुल वाटर प्रूफ है, गारंटी वारंटी इसकी कुछ नहीं होती है, लेकिन ये सालों साल चलता है, ख़राब नहीं होता है। तो आपको इतनी टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों प्रोजेक्टर सेम ही मिलते हैं आपको। अब मैं आपको चेकआउट करा देता हूँ कि कैसे, एक साइड में रख देता हूँ कि कैसे मैं अपनी जमर की HID है उसको इसमें फिट करते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये है मेरी जमर की HID, ये मैंने खोल ली, ये मैंने नीचे कर दिया उसको। इसमें आपको तो वाइट रिंग है, ये निकालनी होती है, ये पहले मैंने ये हटाई, देन ये। अब हम इसको ऐसे खांचे में बैठा देते हैं नीचे वाले में, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से डिज़ाइन बन गई। इजीली इसके अंदर जाता है ये और ये लगेगा इसमें, ऐसा ठीक है ना। ये पूरी इसकी फिटिंग हो गई। बाकी ये और ये दोनों मिलके उसमें लगेंगे, आपके जो कपलर है कंपनी का ओरिजिनल उसमें हाई लो बीम सेट करने के लिए। और बस ये आपका प्रोजेक्टर स्टार्ट हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको अपने घर पे भी लगा सकते हैं कार के अंदर, मैं भी अपने कार में इंस्टॉल करने वाला हूँ। बहुत जल्दी आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, इसका रेस्पॉन्स भी चेक कराऊंगा कैसा रेस्पॉन्स है हाईवे पे, कैसा क्या है। तो बस दोस्त गाइज, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको रेस्पॉन्स चेक कराएंगे लाइट का कैसा है कैसा नहीं है, जिमर की HID कैसी है, प्रोजेक्टर का क्या रेस्पॉन्स है। और आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो कहीं से भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।